आप लोगों के प्यार की वजह से जो आपने स्नेह दिया है साथियों, मैं आपसे बता रहा हूं कि अभी भी जो आपत्ति से वंचित रह गया है, मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड क्या चाहता है और ये क्या करता है। एग्जाम्स जो मेंस आंसर की, प्री आंसर की और फिर उसके बाद मेंस आंसर की निकालता है, इसका इतिहास वास्तव में ही हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए मैं कुछ नए प्रूफ लेकर के आया हूं आपके सामने। यहां पर साथियों, बिल्कुल अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको मैं बता देता हूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, यह परीक्षा हुई थी 19 सितंबर 2020 को, पुस्तकालय की एग्जाम थी। यहां पर जो डिलीट किए गए क्वेश्चन थे, इसका इतिहास बहुत ही आपने कई बार देख लिया होगा, लेकिन ये बात क्यों दोहराई जा रही है? अगर अभी भी आपत्ति से वंचित हो रह गया हो और वो सोच रहा है क्या लगाऊं या ना लगाऊं, अभी भी हमारे पास लगभग 4 घंटे शेष हैं। आप मोबाइल से भी आपत्ति लगा सकते हो, अधिकतर कई स्टूडेंटों पर लैपटॉप की सुविधा भी रहती है। शहरी में है तो ई मित्र खुले हुए हैं, अगर बड़ा गांव है तो वहाँ भी ई मित्र की सुविधा होती है। तो अभी भी अगर आप बच्चे थे तो लगा सकते हो, क्योंकि मैं आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिएगा साथियों, 5 नंबर डिलीट, 62 नंबर डिलीट, 66 नंबर डिलीट, आप इनको काउंट करते रहना, इसके बाद में दूसरी पीडीएफ है अगली एग्जाम की, दूसरी पीडीएफ है वो भी बताऊंगा मैं, काउंट करते रहना। तीन हो चुके हैं साथियों, आप काउंट करते रहना। 3 और 1 78 नंबर, 4 109, 5 81, 6 55, 7, 7 क्वेश्चन साथियों डिलीट, काउंट करते रहना, काउंट जरूर करना आपको, 7 140, 8 27, 9 29, 10। अब आप अंदाजा लगाओ, 10 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, 10 क्वेश्चन डिलीट किए हैं 150 क्वेश्चन में से। लेकिन L1 हो चाहे L2, साथियों मैथ साइंस के अंतर्गत को कम से कम 35 और 40 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है, लेकिन L1 के अंतर्गत लगभग, मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक आपत्ति का दायरा रहा है, क्योंकि कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे, बाकी भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे। स्टूडेंट की कोई कमी नहीं थी, स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये गलती थी एग्जामिनर की कि ऐसे क्वेश्चन रखने नहीं चाहिए थे। SST के अंदर, हिंदी के अंतर्गत, संस्कृत के अंतर्गत काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो वास्तव में डिलीट होने के लायक हैं। लेकिन मैं आगे दूसरी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बोर्ड इस पर वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहना है। वो ही अधीनस्थ बोर्ड, ये देख सकते हो आप डेट। लेकिन साथियों यहाँ पर कितने क्वेश्चन को डिलीट किया गया, इससे पहले 10 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। यहाँ पर 1 2 2 क्वेश्चन काउंट करना, 2 2 क्वेश्चन काउंट करते रहना है, ये 3, क्योंकि इसका इतिहास गवाह रहता है, 3 3, ये तो झड़ी लग गई साथियों, झड़ी। 3 और 1 36 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11, हाय राम ये क्या हो रहा है, 11 क्वेश्चन, आगे देखो 12 13 14 14 और 15। अब साथियों 15, अब एक अंदाजा लगाओ क्वेश्चन कितने, 150 क्वेश्चन साथियों, 150 क्वेश्चन जिनमें से 15 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। मतलब अगर 15 बटा 150 गुना 100 किया जाए तो 0 से 0 15 से 15, मतलब 10% पेपर डिलीट हो चुका है, 10% पेपर डिलीट हो चुका है। तो मैं कह रहा हूं L1 हो चाहे L2 हो, किसी भी सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन डिलीट होंगे, ये रियल बात है, पेपर में क्वेश्चन डिलीट जरूर होंगे। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, अब इसको राम भरोसे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर अभी भी आपने आपत्ति नहीं लगाई है तो बिल्कुल आपत्ति ठोक देना है, घबराना नहीं है क्या लगाऊं या नहीं लगाऊं। साथियों हमारे पास ओनली 3 साढ़े 3 4 घंटे बाकी, आपत्ति लगा दो, किसी ने नहीं लगाई है लगा दो, अगर झूल में मत रहो यार लगाऊं नहीं लगाऊं, अब तो दिमाग में से निकाल दो यार, लगा दो। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।